ग्रुप है, पहले भी आए थे, तो ये फिर मदद करने आए हो आप, तो आज मतलब कि कितनी बड़ी बात है। एक तो अपना फौजी भाई हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, और फिर अपना हरियाणा तो मतलब चाहे तो गरीब परिवार हो या फिर भाई किसी गरीब लड़की की मतलब शादी हो उसमें भी सारा लगाव है, और खिलाड़िया में तो आगे बढ़ चढ़ के मदद करने लग गया। हाँ भाई लड़का है कामयाब, उसका नुका रीढ़ की हड्डी है, एक नीम है, वो सचिन भाई हैं, वीडियो भाई देख भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सचिन भाई, किस तरह था आप जिस तरह मूवमेंट कराया करो, एक बार करके दिखाओ। साफा है। राम राम भाई, सारे भाई नाम आपका भाई सुंदर दिनों दिया, और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों भिवानी का है देवनगर मारे, हाँ, और आप देख दोगे भाई सुंदर तो खेता में खड़ा है, लेकिन खेता में एक बॉक्सिंग एकेडमी है, दिखावांगे आप तो ये जो एकेडमी है वह भी दिखावांगे। और भाई देवनगर में एक पहली भी एक वीडियो बनाई थी आपने देखी होगी, एक वह लड़की थी जो यूक्रेन ताई थी, तो उससे ही अपना भाई बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसी तरह भाई इस वीडियो ने भी बहुत ज़्यादा प्यार दियो, क्योंकि एक अपा खिलाड़ी का जो एक गरीब परिवार तक है, बॉक्सिंग नेशनल खिलाड़ी है, तो उस भाई तो ही बात करवाएंगे। और भाई आज जो सचिन भाई का ग्रुप है तो उस तक भी कुछ सदस्य आ रहे हैं, अपने पंकज भाई हैं, एक वीडियो पहले बनाई थी, मदद करी थी, तो आज इस लड़के की मदद करने खातर आ रहे हैं। एक डेढ़ साल तक मतलब इस भाई की मदद कर रहे हैं। वो खिलाड़ी कौन है अपना हरियाणा का, वो शेर जो भाई आज अपना हरियाणा का और अपना भारत का नाम रोशन करेगा, दिखाऊँगा, निखिल नाम है, आ जाओ। तो इस तरफ आप देख सको भाई, कोच भी खड़े हैं और अपना पंकज भाई, एक बार राम राम आने दो जी सारे सारे भाई आइए, राम राम। तो कोच साहब, हाँ जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलदीप जाखड़ सर। कुलदीप जी, हाँ जी जी। पंकज भाई, राम राम भाई, राम राम, जय हिंद भाई। बस बहुत बढ़िया भाई, फौजी साहब हाँ भाई, अरे निशानेबाज हैं, हैं बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो आज फिर आगे मदद करने खातर हैं? हाँ बिल्कुल भाई, वह वीडियो बढ़िया चली है, वह वीडियो भी बहुत बढ़िया लगी, मदद करा है तो बहुत हमने भी हौसला मिला है, और लोग देखे हैं तो बताओ भी हैं भाई बहुत बढ़िया काम करे, तो उस तरह हमने भी बहुत ज्यादा हौसला मिला है, जिससे बहुत खुशी हो भाई जी। तो पंकज भाई, पहली भी जैसे कि एक डेढ़ साल हो गया इस भाई की मदद कर रहे हैं, जो अपना ग्रुप है सचिन भाई का ग्रुप है, पहले भी आए थे, तो ये फिर मदद करने आए हो आप, तो आज मतलब के कुछ मदद करी भाई की? आज भाई इसका पूरा खेल का सामान जितना भी है सब कुछ लेके आए हैं, और डाइट में लेके आए हैं बादाम, अखरोट, किशमिश, ये सब लेके आए हैं, और मतलब इससे भाई जब तक ये कामयाब नहीं हो जाता तब तक भाई अपना ग्रुप है फौजी भाईचारा एकता, यो ग्रुप अपना भाई जब तक ये कामयाब नहीं होगा तब तक इसकी पूरी मदद करेगा भाई। तो जिस तरह तक आप इसकी मदद कर रहे हो, रिजल्ट दे रहा है ये लड़का? रिजल्ट दे रहा है भाई, इसकी अपन वीडियो देखी मतलब खबर देखी थी न्यूज़पेपर में सचिन भाई और ने, तो उनने फिर बताया था, उसकी मदद भी करी, गांव में भी आके मदद करी थी, और उसके बाद में ये लगातार इसकी मदद का मतलब पूरा जुम्मा उठा रखा है भाई अपना ग्रुप ने, कि भाई जब तक ये कामयाब नहीं होगा तब तक भाई इसकी पूरी मदद करांगे। जिस तरह तक पंकज भाई ने बताया कि भाई जब तक यो भाई कामयाब नहीं होता मदद आपा कर दे रहे, देखो कितनी बड़ी बात है। एक तो अपना फौजी भाई हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, और फिर अपना हरियाणा तक मतलब चाहे तो गरीब परिवार हो या फिर भाई किसी गरीब लड़की की मतलब शादी हो उसमें भी सारा लगाव है, और खिलाड़िया में तो आगे बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं। तो कोच साहब हैं, कोच साहब तक मुलाकात कराएंगे। कोच साहब, राम राम। राम राम सर। अच्छा, जो ये लड़का है आपके पास कितने साल से कर रहा है प्रैक्टिस? ये पिछले 5 साल से मेरे पास बॉक्सिंग कर रहा है, पहले सब जूनियर में जैसे स्कूली स्टेट में सिल्वर मेडल आया इस बच्चे का, फिर उसके बाद 30वीं से सब जूनियर नेशनल में इसका गोल्ड मेडल आया बच्चे का, और अभी भी ये पिछले अनुमान के चलो बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट दे रहा है, और ये आगे बढ़ने का बच्चा है, और पिछले जैसे 3 मई को इनकी दादी जी एक्सपायर हुई थी जिनकी फौज की पेंशन आती थी, और 1 हफ्ते के बाद इनके पापा जी एक्सपायर हो गए कोरोना की वजह से, क्योंकि दादी जी को ये हो गया भाई तेरा बेटा मरेगा, लेकिन उसकी दादी पहले एक्सपायर होगी 3 मई को, और फिर पापा जी भी एक्सपायर हो गए, उससे पहले इसके फादर ने इस पर बहुत सारा जोर लगाया, रेगुलर छोड़ने आते थे, लेने आते थे, टाइम पर फीस देते थे, कहने का मतलब पूरा ध्यान था। जैसे ही इनके घर की स्थिति बिगड़ी तो ये भाईचारा एकता संगठन है, सचिन भाई है, परमजीत भाई है, पंकज भाई है, इन्होंने मैंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट कराया, इनसे मदद की गुहार की, उसके बाद भाइयों ने पूरा तन मन धन से पिछले 1 साल से पूरा मदद कर रहे हैं बच्चे की डाइट का, प्रैक्टिस सामान का, और जब तक ये बच्चा कामयाब नहीं होता जब तक इसका पूरा जिम्मा भाईचारा एकता संगठन ने उठा रखा है,
ये बात है भाई साहब। तो ये लड़का कुकर आया पहले आप शुरू में था तो अपना कुकर नू लग गया, हाँ भाई लड़का है कामयाब उसका बढ़िया खेला भाई साहब। मैंने क्या है, मैंने कुछ बच्चों की ट्रायल ली थी, एक टैलेंट के तौर पे मैंने बच्चों का एक ट्रायल ली थी, उस टैलेंट में इस बच्चे ने अपना सिलेक्शन करवाया था। उस टैलेंट का मकसद ये था कि भाई मैंने वो बच्चे फ्री ट्रेनिंग करानी है और ये कई साल उस टाइम पर फ्री भी चले, लेकिन उसके बाद भाई थोड़ी ही मैंने जैसे इनके लिए और सुख सुविधा बढ़ाई, थोड़ा चार्ज लगाना स्टार्ट किया, लेकिन अभी ये बिल्कुल जब से इसके फादर एक्सपायर हुए जब से ये बिल्कुल मेरे पास फ्री है और जब तक ये ट्रेनिंग करेगा मेरे पास फ्री ट्रेनिंग करेगा ये जी। हाँ जी, तो सचिन भाई हैं, हाँ जी, फौजिया ग्रुप है, हाँ जी, देश की सेवा भी कर रहे हैं बिल्कुल, और इस भाई की मदद भी कर रहे हैं बिल्कुल, तो कितनी खुशी मिला है कि मेरे को ऐसे ऐसे भाइयों की नुकारा पूरे हिंदुस्तान को जरूरत है। इसी हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका टैलेंट पैसे की वजह से आर्थिक तंगी की वजह से दबे अखड़े है और ये भाई जो मदद कर रहे हैं उस मदद से बहुत सारा हमारे देश के नौजवान सही रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर हुए जी। हाँ, जो इस ग्रुप की मैन नुका रीढ़ की हड्डी है एक नीम है वो सचिन भाई हैं, वीडियो भाई देख भी रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। सचिन भाई के कुछ कहोगे? भाई सचिन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो हमारी मदद कर रहे हो और इस पूरा हरियाणा की जो मदद कर रहे हो इसके लिए हम आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद भाई का जी। हाँ जी, तो जो मदद हो रही है उससे आप खुश हो? बिल्कुल खुश हूँ मैं, बॉक्सर के लिए जो प्रॉपर डाइट प्रॉपर इक्विपमेंट होता है वो सारा निखिल को पहुंच रहा है अभी, ये किसी भी प्रकार की बॉक्सिंग में जो सामान की जरूरत होती है ट्रेनिंग की जरूरत है किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जिस टाइम पर इसका कंपटीशन हो उस टाइम पर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप आगे देखो कि भाई आपका खिलाड़ी क्या कर रहा है जिसके ऊपर आप इतना जोर लगा रहे हो, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपने अपनी तरफ से जो करना था कर दिया, हमारी बारी है। धन्यवाद भाई। अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर भाई? मेरा एड्रेस है चौधरी धर्मराज आखड़ स्पोर्ट्स एंड शिक्षा समिति देवनगर राजपुरा खरखड़ी, आई मेरा मोबाइल नंबर है 7357691552। इंदिम और बता दे 7357691552 जी। यो भाई मोबाइल नंबर है कोच साहब का, और भाई जो भी भाई वीडियो देख रहा है अगर भाई कोई एडमिशन करवाना चाहो है तो जरूर आओ, पहले एकेडमी देखो। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जो भी भाई गरीब है आर्थिक तंग है और जिसके फादर एक्सपायर हो रहे हैं या किसी का घर में चार बाणे हैं मैं उसको फ्री ट्रेनिंग कराऊंगा, यहाँ आप आओ मोस्ट वेलकम, मेरी जो मेहनत है उसका मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा, ये इतना मैं अपने देश के लिए अपने बच्चों के लिए अपने देश के भविष्य के लिए मैं कर सकता हूँ। तो ये वो लड़का है जो अपने भाई आगे हरियाणा का नाम रोशन करेगा और जो भाई कोच साहब है इसने मेहनत करा रहे हैं। निखिल नाम है, निखिल कैसे हो? ठीक हूँ सर। ठीक हूँ। ठीक हो? ठीक होगी। अच्छा, और प्रैक्टिस कब से कर रहे हो आप? वैसे पंडियाला आए 5 साल से। और 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल हो गए। वो शाम के अलावा प्रैक्टिस सुबह शाम ना टाइम चावा। अच्छा, उम्र कितनी हुई कोच साहब? ये अभी 17 साल का हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो निखिल किस तरह था आप जिस तरह मूवमेंट कराया करो, एक बार करके दिखाओ। शैडो मार के दिखाओ बेटा। देखो भाई मतलब स्पीड देख लड़के की कितनी मतलब फास्ट मारा है, हैं? तो अगर आपने नू लग गया है कि भाई इस लड़के की अपा जो फाइट है वो आके देखा तो भाई जरूर आके देखो। कोच साहब का अपन ने मोबाइल नंबर दे दिया है, तो इसकी फाइट कब है कोच साहब? मतलब अभी जो क्या है अभी ये यूथ में इसका अभी आएगा नेशनल चैंपियनशिप यूथ की, तो यूथ का भी जैसे जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अनुसार अभी जब भी कंपटीशन की डेट आएगी मैं उस डेट को बताऊंगा, और जितने भी हमारे हरियाणा के खिलाड़ी हैं फौजी हैं या समाज सेवी हैं वो आके हमारे पास हमारा हौसला बढ़ाएं और बच्चे की फाइट देखें ताकि ये बच्चा कितना अच्छा खेलता है, भाई सभी से ये रिक्वेस्ट है। निखिल गाँव कौन सा है? तिगड़ाना। तिगड़ाना, तिगड़ाना। अच्छा अच्छा, तो भाई अगर जो सचिन भाई हैं वो तो मदद कर रहे हैं, अगर देखो एक गरीब परिवार का है लड़का, और अगर आपने नू लग गया है कि अगर कोई भाई मनत है इससे इसकी मदद करना चाहता हो कपड़े लगता है क्यों कुछ सब बिल्कुल कर करना चाहो तो कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई। डाइट का हो गया जो भी है जैसे क्या है इनके घर में ये दो भाई बहन है
इसकी बाण है उसमें इतना टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन वो लड़की गूंगी बहरी है और उसमें इतना टैलेंट है। हमारे अभी सीएम जी आए थे मनोहर लाल खट्टर जी तिगड़ाना गांव में, उनकी वहाँ बैठे बैठे तस्वीर बना दी थी, उनमें इतना टैलेंट है। आप सभी हम खड़े हैं, जिसका बोलोगे उसकी तस्वीर बना देंगे, जो आप बोलेंगे प्रकृति की, इतना टैलेंट है उस बच्चे में। सिर्फ वो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन अगर उसकी सही तरीके से मदद हो सके तो वो लड़की हमारे देश का पेंटिंग आर्ट में बहुत ज्यादा नाम रोशन कर सकती है। तो भाई जो बता रहे हैं, जो बता रहे हैं लड़की का बारे में, घर न चलेंगे तिगड़ाना गांव में और दिखावांगे किस तरह तवा पेंटिंग बनाओ है और के कुछ टैलेंट है उसका अंदर। तो एक बार मैं जो भीतर के एकेडमी है वो चलो को सब आज दिखावांगे, तो जो सामान है वो भी आप दिखावांगे। दिखा दे भैया एकेडमी है। अच्छा ऊपर भी मना रखिए को सब। अच्छा ये ऑफिस है भैया, हमारा ऑफिस है, दिखा भाई। ये ऑफिस है, आ जाओ। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं सारे। अच्छा आ जाओ भाई, साइड भाई दिखाओ बेटा। अच्छा अच्छा लिया लिया लिया, अंदर आ गया भाई। यह एकेडमी है, यह देखो भाई, ये बच्चों के लिए सारा रूम बना रखा है। वाटर कूलर है पीने का पानी। अच्छा ये वाटर कूलर, ये वाटर कूलर है, ये बीम निकालने का है, ये वॉल पैड है, ये बच्चों को बॉक्सिंग की वीडियो दिखाई जाती है, ओलंपिक की, कॉमनवेल्थ गेम की, या इंटरनेशनल लेवल की कोई भी बॉक्सिंग की वीडियो हो। चलो अच्छा ये हमारा बॉक्सिंग रिंग है जिसमें हम बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं, फाइट फूट करवाते हैं। ये सारे शीशे सासे लगाए हुए हैं सारे। ये चेंजिंग रूम है, ये बच्चों के लिए लड़की हो या लड़का हो चेंजिंग रूम है। यहाँ टोटली सारा सीसीटीवी कैमरे लगा रखे मैंने, जिसके भी जिसका भी पेरेंट्स बॉक्सिंग जो अपने बच्चों को करवाना चाहता हो, ऑल इंडिया में कहीं भी रहता हो, वो यहाँ अपने बच्चों को घर पे बैठे देखो कि भाई मोबाइल में हमारा बच्चा क्या कर रहा है, भाई बॉक्सिंग में कैसा चल रहा है, किस टाइम ये उठ रहा है, किस टाइम खा रहा है, किस टाइम पे ये स्कूल में जा रहा है, ये सारी की सारी ऑनलाइन अपने मोबाइल में देखो। मैंने ऊपर हॉस्टल की सुविधा दे रखी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जिम, जिम भी बना रखे हैं बच्चों के लिए। कहाँ पे है? ये जिम है। अच्छा 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 ये जिम है भाई, ये देखो ये जिम है, यहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं सारा। बिल्कुल बिल्कुल, इनके लिए जनरेटर, इन्वर्टर, ऊपर हॉस्टल की सारी सुख सुविधाएं, पानी की सुख सुविधाएं। मैंने लाखों रुपए लगा के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए, मैंने आज तक बहुत सारे फ्री बच्चों को ट्रेनिंग करवा के, आज अब मेरे बच्चे फौज में, पुलिस में, जो आज के दिन ऑन ड्यूटी पे हैं अभी, मैं अपनी खुशकिस्मत में समझूं कि भाई मेरी हाथ से बहुत सारे बच्चे भाई कामयाब हो गए हैं आज। चलो तो फिलहाल जो फौजी भाई, जो सचिन भाई हैं, जो पंकज भाई आया है, ये सामान ले आए हैं, ये दिखा दे भाई। तो अपन ने बताई थी, पंकज भाई ने बताई भी है, ये जो जितना भी सामान हो है ये आप देख सको हो। ये बॉक्सिंग ग्लव्स हैं। अच्छा ये निखिल भाई के लिए बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, और ये शूज हैं, रनिंग शूज, जो सुबह रनिंग करेगा बच्चा। ये इसकी एल गार्ड है, और ये इसकी बॉक्सिंग किट है, ये इसकी बॉक्सिंग किट है, ये इसके लिए अखरोट जी, अखरोट है, ये इसके लिए ग्लूकोज है, इलेक्ट्रॉल, ये इसके लिए किस, ये अपने सटा मिश्री है बच्चे के लिए, ये बादाम है, और ये चने हैं, और ये किशमिश है, और ये वेट है रनिंग किट में वेट, और ये रोप है, और ये डंबल है, और ये फुटबॉल है बच्चे के लिए, ये सारे, और ये पंचिंग बैग है जो बच्चे के लिए पूरी सुख सुविधा भाई साहब। ये जो अपने एकता भाईचारा एकता संगठन है, सचिन भाई है, और जितने भी हमारे उस ग्रुप के भाई हैं, सभी ने इस बच्चे के लिए पूरा जोर लगा रखा है। फौजी भाईचारा ग्रुप, हाँ फौजी भाईचारा ग्रुप, जितने भी हमारे देश के फौजी भाई हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत, वैसे तो सेवा करते ही, जब देश के फौजी सेना जब बॉर्डर पर जागे है जब, तो हम और आप आराम से चैन से सोते हैं, तो इनकी तो कोई जितनी सराहना की जाए वो बहुत कम है। तो ये जितने भी मदद कर रहे हैं भाइयों का, बहुत बहुत धन्यवाद है भाइयों का। तो ये देखो भाई, जो निखिल है गोल्ड मेडलिस्ट, ये देखो भाई आप दिखा दे। तो कैमरामैन तो कहूँगा एक बार ये दिखाओ भाई, ये निखिल का है जो जीत के लाए थे, पैकेट लिया ये देखो आप, ठीक है। तो दोस्तों यह वीडियो आपने किसी के लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो, और भी जो वीडियो हैं आप दिखाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तो देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।